अब तक की कहानी में आपने सुना कि सुधीर अपनी पत्नी की बीमारी से पहले से ही परेशान रहता है, वहीं दूसरी तरफ उसके सर पर गौरी का वजन आ जाता है। क्या होगा अब इन दोनों के बीच? क्या सुधीर यहां से निकल पाएगा? क्या करेगा सुधीर? और वो बच्चा जो गौरी बता रही है, क्या वो सच में सुधीर का है? अगर वो बच्चा सच में सुधीर का है तो क्या होगा गौरी का और उसके बच्चे का? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आइए जानते हैं। सुधीर अपनी पत्नी को अपने साथ सुल्तानगढ़ ले आता है अच्छे इलाज के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुधीर अपनी माँ से बात कर लेता है और अपनी माँ को बोल देता है कि वो संडे को आएगा लेने। उसके बाद सुधीर एक दो दिन तक अपने काम काज में जुटा रहता है और फ्लैट को व्यवस्थित तरीके से जमा लेता है। जमाने के बाद वो वहाँ चारों तरफ अपनी और ललिता की तस्वीर लगा देता है और कई तरह की चीजें लगा देता है, जिससे कि ललिता का ध्यान अपने दर्द से हटकर इन सभी जगह पर जाए। वो चाहता है कि ललिता इस लड़ाई में मानसिक रूप से मजबूत रहे, क्योंकि सुधीर का मानना है कि अगर आप किसी भी बीमारी में मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो आप कोई भी बीमारी हो उसे आराम से जीत जाएंगे। और सुधीर भी ललिता को मानसिक रूप से बीमार नहीं होने देगा, और मानसिक रूप से ही वो अपने शारीरिक रूप को भी ठीक कर सकती है। सुधीर अपने पूरे फ्लैट को सजा देता है और अपने गाँव के लिए निकल जाता है। ललिता को लाने के लिए वो गाँव जाता है तो अपने मम्मी पापा के पैर पड़ता है और उनका आशीर्वाद लेता है, और अपने पापा से पूछता है कि पापा ललिता कहाँ है। उसके पापा कहते हैं वो अंदर कमरे में होगी बेटा, अभी चाय देकर गई है मुझे। सुधीर कहता है कि ठीक है पापा, मैं उसे देख लेता हूँ अंदर जाके। सुधीर के पापा कहते हैं ठीक है बेटा, देख ले तू। सुधीर अंदर जाता है और कहता है, ओ बेगम जान कैसी हो? ललिता सुधीर को देखकर बड़ी खुश हो जाती है और कहती है, कब आए तुम? सुधीर कहता है, जब तुमने याद किया। ललिता कहती है, तुमसे तो बस बातें करवा लो। सुधीर कहता है कि तुम्हें लेने आया हूं। ललिता कहती है कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। क्यों नहीं जाना बेगम को हमारे साथ? ललिता कहती है, 5 महीने हो गए, अब आए आप लेने। सुधीर कहता है कि वहां भी मुझे थोड़ा सब अरेंज करना था, और तब तक तुम यहाँ मम्मी पापा के साथ भी तो रह ली ना। ललिता कहती है, ठीक है चलूंगी। सुधीर कहता है, ये हुई ना बात। और ये कहकर वो उससे कहता है कि तुम सामान पैक करो, मैं बाहर मम्मी पापा से थोड़ी बातें करता हूँ। ललिता कहती है, ठीक है। सुधीर बाहर जाता और अपने पापा को कहता है, आप भी चलो वहीं रहने, अब तो घर भी बड़ा हो गया है। सुधीर के पापा कहते हैं, नहीं बेटा मैं तो नहीं जा सकता, यहाँ इतनी जायदाद है, उसे छोड़ के अपनी माँ से। उसे छोड़ के कैसे? अपनी माँ से पूछो, अगर जाए तो ले जाओ। सुधीर अपनी माँ से पूछता है कि माँ चलो ना। सुधीर की माँ कहती है, बेटा मन तो है, लेकिन यहाँ तेरे पापा अकेले रहेंगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अभी तू सिर्फ बहू को लेकर जा, हम लोग बाद में आ जाएंगे। सुधीर कहता है, ठीक है माँ, हम दोनों भी शाम तक निकलते हैं। सुधीर के पापा कहते हैं, हाँ ठीक है बेटा चले जाना। सुधीर कहता है, हाँ पापा। थोड़ी बहुत देर वो अपने घर पर बैठता है। उसके बाद सुधीर तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो पापा चलता हूँ। सुधीर की माँ कहती है, बहू का ध्यान रखना। सुधीर कहता है, हाँ माँ मैं रखूंगा ध्यान अच्छे से, आप लोग भी अपना ध्यान रखना यहाँ पर, और कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना, फोन लगाना। सुधीर के पापा कहते हैं, हाँ ठीक है बेटा हम लगा देंगे फोन, तुम दोनों भी वहां पहुंचकर फोन लगाना। ललिता अपनी सास और ससुर के पैर छूती है और दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। सुधीर और ललिता वहां से जाने लगते हैं और सुल्तानगढ़ के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर तक सुधीर गाड़ी चलाता और ललिता रास्ते में कहती है कि सुधीर आपकी हालत कैसी हो गई है, थोड़ा कम टेंशन लिया करिए आप। सुधीर हंसते हुए कहता है, तुम्हें भिंकड़ा दिखने लगा है, वैसा ही हूं, तुम ध्यान दो खुद पर थोड़ा। दोनों के बीच नोकझोंक चलती रहती है और उसके चलते ही सुधीर और ललिता सुल्तानगढ़ पहुंच जाते हैं। अब ऐसा है कि सुधीर ललिता को सुल्तानगढ़ इसलिए ले आया है क्योंकि वो जानता है कि गांव में उसे वो माहौल नहीं मिल पाएगा और वो वहां ठीक नहीं हो पाएगी। और ये सच्चाई, जब कोई बड़ी बीमारी होती है तो हम अक्सर उस मरीज को शहर किसी बड़े महानगर में ले जाते हैं, क्योंकि गांव में संसाधनों का अभाव रहता है और उन अभाव के चक्कर में हमें शहर आना ही पड़ता है, और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का इलाज गांव में रहकर असंभव है। इसलिए सुधीर ज्यादा देर नहीं करता और ललिता को अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए अपने पास ले आता है। वो गाड़ी रोकता है, उसका दोस्त रोहन और ऑफिस के सभी काम करने वाले माला लेकर उनका स्वागत करते हैं और फूलों से ललिता के घर में उसका स्वागत करते हैं। ललिता जैसे ही फ्लैट के अंदर जाती है, वो देखती है चारों तरफ उसकी ही तस्वीरें लगी हुई हैं और बेडरूम में एक बड़ी सी फोटो सुधीर की और उसकी लगी हुई है। ललिता कहती है, मैं कुछ कहने की हालत में नहीं हूं, क्या कहूं समझ में नहीं आ रहा है, इतनी खुश हूं मैं आज कभी नहीं हुई जितना खुश तुमने आज मुझे किया है। वो सुधीर को होठों पर किस करती है और कहती है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मुझे इतना अच्छा पति मिलेगा। सुधीर कहता है, वैसे भी सोचे हुए काम नहीं होते मोहतरमा। सुधीर और ललिता अपने नए घर में खुश हैं। वो दोनों एक दूसरे को बड़ा ही प्यार करते हैं। सुधीर भी सुबह से उठकर उसके लिए चाय दूध गर्म कर देता है, खाना बनाने में भी उसकी मदद करता है,
और दिन भर भी उसके साथ ही रहता है। उसे हर रोज शाम को डॉक्टर के पास ले जाता है और अब धीरे धीरे ललिता की हालत में सुधार भी हो रहा है। लेकिन अचानक से एक दिन रोहन आता है और कहता है कि भाई एक परेशानी है। सुधीर कहता है कि क्या परेशानी है। रोहन कहता है तू शाम को मुझे मिल, मैं बताता हूँ सब कुछ। सुधीर कहता है ठीक है। ललिता पूछती है कि क्या हुआ, किस परेशानी की बात कर रहे हो आप सुधीर। सुधीर कहता है अरे वो कुछ दवाइयां एक जगह पहुंचानी थी तो वो क्लाइंट परेशान कर रहा है रोहन को, और रोहन मेरी जान खा रहा है। लो तुम ये दवाई लो और पानी पियो। ललिता कहती है कि वो तो मैं ले लूंगी, और सुधीर को किस करती है। सुधीर भी उसे किस करता है और दोनों फिर रोमांस करने लग जाते हैं। सुधीर थोड़ी देर बाद कहता है कौन कहता है कि तुम बीमार हो। ललिता कहती है अच्छा बेटा ऐसा भी है क्या। सुधीर कहता है हाँ और नहीं तो क्या। और सुधीर का फोन बजता है। सुधीर अपना फोन देखता है और कहता है कि रोहन का फोन है, मैं आता हूँ जरा। वो बाहर जाता है और रोहन को फोन लगाता है। रोहन उसका फोन उठाकर कहता है भाई मैं ये मंदिर के पास वाले गार्डन में आके बैठा हूँ। सुधीर कहता है ठीक है मैं भी आता हूँ। सुधीर कपड़े पहनता है और ललिता को कहता है कि अगर कुछ हो तो मुझे फोन लगा देना, मैं आ रहा हूँ थोड़ा काम से, बाहर जा रहा हूँ, क्या खाओगी तुम बता दो मैं ले आऊंगा। ललिता कहती है अभी तो कुछ मन नहीं है मेरा। सुधीर पूछता है फिर भी बता दो क्या खाना है। ललिता कहती है कि मैं फोन करके बता दूंगी। सुधीर कहता है ठीक है मेरे को बता देना। ललिता कहती है आराम से जाना। सुधीर कहता है कि हाँ आराम से ही जाऊंगा मैं। वो अपने घर से नीचे उतरता है और पास वाले मंदिर के गार्डन में पहुंच जाता है जहाँ की रोहन उसका इंतजार करता है। सुधीर वहां पहुंच के उसे फोन लगाता है। रोहन कहता है कि यहीं बैठा हूँ आगे आ जा। सुधीर आगे चला जाता है और रोहन को पूछता है कि हाँ भाई बता अब क्या हो गया था, क्या परेशानी आ गई है। रोहन कहता है मैं गौरी से मिला था। सुधीर पूछता है क्या बोली वो। रोहन कहता है वो मेरे को भी वही बोल रही थी कि बच्चा सुधीर का है और मैं उसको जन्म दूंगी। मैं उसके पास इसलिए गया था ताकि वो उस बच्चे को गिरा दे, लेकिन वो कहने लगी कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी भले कुछ भी हो जाए। सुधीर रोहन को कहता है कि अब तू ही बता क्या उपाय है इसका और क्या करें इस लड़की का यार। रोहन को सुधीर कहता है कि जन्म दे रही है तो देने दे उसको, अपने को कहां परेशान कर रही है। रोहन कहता है भाई एक बार बच्चा हो गया ना तो फिर तेरी खैर नहीं सोच ले। सुधीर कहता है कल उससे मिलने चलते हैं हम दोनों उसके घर पर। रोहन कहता है ठीक है। अब तक की कहानी सुल्तानगढ़ में हमने सुना कि सुधीर और ललिता प्यार से रहते हैं। सुधीर उसका ध्यान रखता है और हमेशा उसे अपने साथ रखता है। समय पर उसे दवाइयां देना, टाइम से खाना खिलाना, वो अपनी सभी जिम्मेदारी बड़े ही आदर के साथ निभाता है और ललिता भी उसके साथ बड़ी ही खुश रहती है। लेकिन इन सब के बीच एक परेशानी बन खड़ी हुई है, सुधीर के अतीत की एक गलती। दोस्तों हमारा भविष्य निर्भर करता है कि हमारा अतीत कैसा है, और हमारा अतीत कहीं ना कहीं अच्छे या बुरे दोनों रूप में हमारे सामने आ ही जाता है। जब हम कोई गलतियां बचपन में करते हैं तो वही गलतियां हमें जवानी में दुख देती हैं, मतलब कहीं ना कहीं से वो सामने आती ही है। हमने कई सारी बातें इस तरह भी सुनी होंगी कि उस लड़के की शादी नहीं हो रही, उसने ऐसा कर दिया था पहले तो सभी लड़की वाले उसे मना कर जाते हैं, या फिर कोई और घटना जो हमने जानबूझकर करी तो नहीं लेकिन हाँ जाने अनजाने नासमझी में हो जाती है। पर वो छोटी सी गलती ही हमारी पूरी जिंदगी का एक वो हिस्सा बन जाती है जहां पर हम हमेशा शर्मिंदगी ही महसूस करेंगे। आपने मैंने हम सभी ने गलतियां की हैं और उन गलतियों से सीख भी ली है, लेकिन उन्हें भूला नहीं पाए। कहीं ना कहीं हमारा अतीत हमारे सामने आ खड़ा होता है, जैसे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ पछताने के। सुधीर भी वही गलती कर बैठा है और उसकी गलती उसके सामने एक विशाल रूप धारण करके आती है। उसका अतीत उसके सामने प्रश्न बनकर खड़ा है क्योंकि सुधीर की गलती ऐसी थी। सुधीर अपने दोस्त रोहन के साथ गौरी के घर जाने की सोचता है और उसका दोस्त भी उसे यही कहता है कि हाँ भाई चलते हम उससे बैठकर बातें करेंगे, अगर वो मान जाए तो। सुधीर कहता है ठीक है हम कल उसके घर चलते हैं, वो क्या चाहती है उससे पूछ लेते हैं और पैसे वैसे देकर मामला निपटा देते हैं। रोहन कहता है भगवान करे ऐसा ही हो और वो मान जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। सुधीर कहता है रोहन अभी मैं अपने घर जाता हूँ, ललिता अकेली है, और सुन तू कल सुबह से मुझे फोन लगा देना हम चलेंगे। रोहन कहता है ठीक है भाई मैं लगा दूंगा। सुधीर रोहन को कहता है भगवान ने भी क्या जिंदगी दी है मुझे, हर तरफ से समस्या ही भर दी है उसने, इंसान एक दिन भी चैन से नहीं रह सकता है। रोहन कहता है तू भी घर जा हम लोग कल समझेंगे उस लड़की का मैटर। सुधीर अपने घर जाता है और वो ललिता के लिए कुछ खाने पीने की चीजें भी ले लेता है। घर जाके वो ललिता को जगाता है और कहता है उठो अभी सो गई,
ललिता कहती है, मेरा सर दर्द कर रहा था इसलिए सो गई थी। सुधीर कहता है, दवाई ली थी या नहीं? ललिता कहती है, मैंने दवाई तो ले ली थी लेकिन पता नहीं क्यों अचानक ही दर्द होने लगा और बुखार भी आ गया। सुधीर कहता है कि तुम्हें कहा था ना मुझे फोन लगाना। ललिता कहती है, कहां परेशान करती मैं तुम्हें, इसलिए नहीं लगाया। सुधीर कहता है, चलो मैं सर दबा देता हूं। सुधीर उसका सर दबाने लग जाता है। सर दबाते दबाते सुधीर सो जाता है, ललिता भी सो जाती है और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। सुबह सुधीर उठ जाता है और ललिता के लिए दूध गर्म करके लाता है। ललिता को दूध पिलाता है। उसके बाद वो कहता है कि चलो तुम आराम करो, हम शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे, और खाना खा लेना और कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। सुधीर का फोन बजता है। वो समझ जाता है कि नीचे रोहन इंतजार कर रहा है। वो भाग के नीचे जाता है, रोहन की गाड़ी में बैठ जाता है। रोहन और वो दोनों निकल जाते हैं गौरी के घर जाने के लिए। लेकिन वो वहां जैसे ही जाते हैं देखते हैं कि गौरी वहां बैठी है और कहती है, अरे तुम आओ, कैसे आना हुआ? रोहन ने कल जो बात कही थी अगर उसके लिए आए हो तो वापस जा सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा करने नहीं वाली हूं। सुधीर कहता है, बात को समझो मेरी, शादी हो गई है, अब एक बीवी भी है, और इसके बाद ये सब उसे पता चलेगा तो वो कैसे रहेगी और कैसे संभालेगी खुद को? पहले ही वो जिंदगी और मौत के बीच में जी रही है, और ये सब सुनने के बाद क्या ही होगा उसका। गौरी कहती है, मैंने तुम्हें कहां परेशान किया है, मैं जी रही हूं ना, तुम मुझे नहीं मिले तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी इस याद के साथ जी लूंगी। और तुम कहते हो कि गलती हो गई हम दोनों से, तो उस गलती की सजा ये मासूम क्यों भुगते? गलती हमारी थी, मजे हमारे थे, तो भुगतना भी हमें ही पड़ेगा ना। सुधीर कहता है, तुम समझने की कोशिश करो यार। गौरी कहती है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, इसके बाद तुम यहां से जा सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सुधीर गुस्से में वहां से जाकर एक दारू के ठेके पर बैठ जाता है। रोहन कहता है कि भाई तू ये क्या कर रहा है यार, सब लोग देख रहे हैं, तू चल मेरे साथ। सुधीर को वो उठाकर ले जाता है और गाड़ी में बिठा देता है और उसे शहर से दूर एक पहाड़ी पर ले जाता है। वो दोनों वहां बैठ जाते हैं। सुधीर कहता है कि रोहन यार क्या करूं, मैं अपनी जिंदगी से थक गया हूं, अब मुझसे नहीं किया जाएगा, और वो उस पहाड़ी से कूद जाता है। जैसे ही कूदता है एकदम से सुधीर की नींद खुलती है, वो चमक जाता है। ललिता कहती है, क्या हुआ तुम्हें एकदम से? सुधीर कहता है, कुछ नहीं, एक बुरा सपना था, उसी से चमक गया था मैं। ललिता कहती है, कहां अब भी इतने डरते हो, सुधीर टाइम तो देखो। सुधीर कहता है, तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? ललिता कहती है, तुम दबाओ और दर्द रह जाए। सुधीर कहता है, अच्छा जी चलो तुम नहा के आओ, जब तक मैं चाय बना लेता हूं। ललिता कहती है, ठीक है आती हूं मैं। सुधीर चाय बनाने चला जाता है और ललिता नहाने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो वहां से नहा के निकलती है, सुधीर कहता है, ये लो मैडम साहिबा चाय। दोनों बैठकर चाय पीते हैं और फिर सुधीर कहता है, चलो आज चेकअप करवाना है तुम्हारा, डॉक्टर के पास चलना है। ललिता कहती है कि हाँ ठीक है, पर शाम को चलेंगे। सुधीर कहता है, शाम का ही बोल रहा हूं मैं अभी तुम्हें, मुझे भी अभी जरा ऑफिस जाना है। ललिता कहती है, ठीक है तुम आ जाना, तब तक मैं खाना बना लूंगी। सुधीर कहता है, ठीक है बना लेना, मैं भी आता हूं। वो रोहन को फोन लगाता है और कहता है कि कितना टाइम है? रोहन उससे कहता है, बस निकल गया हूं घर से, तू आ जा नीचे। सुधीर कहता है कि आ ही गया हूं मैं तो नीचे। सुधीर रोहन का इंतजार करता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद रोहन आ जाता है। वो रोहन के साथ में गौरी के घर चला जाता है। जब वो लोग गौरी के घर जाते हैं तो गौरी कहती है, आओ बैठो। सुधीर कहता है कि बैठने नहीं आया हूं मैं। तुम ये क्या पागलों जैसी हरकत कर रही हो गौरी? गौरी कहती है कि सुधीर अगर पागलों जैसी हरकत करती तो तुम्हारे घर आकर बैठ जाती मैं, पर जानती हूं कि तुम शादीशुदा हो और मैंने तुमसे प्यार किया था, जब आखिरी बार मिले थे तब से मैंने सारा काम ही छोड़ दिया। सुधीर कहता है कि तुम ये बच्चा गिरा दो बस, अब तुम बोल रही हो मेरा बच्चा है तो मैं बोल रहा हूं गिरा दो इसको, हक तो दोनों का बराबर का है ना। गौरी कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन इसको एक खरोंच भी नहीं आने दूंगी, जी लूंगी इसके साथ, तुम जाओ यहां से, और मैं किसी को पता भी नहीं चलने दूंगी कि ये तुम्हारा बच्चा है, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं, मुझे मत रोको। सुधीर उसे बोल देता है कि ठीक है, कभी भी मेरा नाम इसके साथ नहीं आना चाहिए, ये बात आज ही खत्म हो जानी चाहिए, हम तीन लोगों के अलावा कोई नहीं जानता कि ये बच्चा किसका है, और ना ही तुमसे कोई पूछेगा। गौरी कहती है, मंजूर है। सुधीर उसे बोल तो आता है लेकिन खुद उसे अंदर ही अंदर बुरा लगता है। वो जानता है ये सब गलत है लेकिन वो भी मजबूर है, क्या करे, अब उसके पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रोहन सुधीर से पूछता है कि भाई क्या हुआ तुझे, अब तो खुश होना चाहिए तुझे,
तू क्यों इतना उदास, तू क्यों इतना उदास हो रहा है? सुधीर कहता है कि रोहन हमें अगर पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, रोहन हमें अगर पता हो कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और फिर भी हम उसे कर देते हैं तो हम खुद को माफ नहीं कर पाते। मैं जानता हूं कि मैंने जो भी गौरी को कहा हर बात गलत थी, लेकिन फिर भी मैंने उसका दिल दुखाया। मुझे बुरा इस बात का है जो मैंने गलती की थी और जाने अनजाने में हो गई थी, लेकिन आज जो मैंने गलती की है वो जानबूझकर की है, जिसका पश्चाताप मुझे हो रहा है। तो क्या लगता है, सुधीर का हृदय परिवर्तन होगा? जानेंगे हम सुल्तानगढ़ के अगले एपिसोड में। दोस्तों, हमारी कहानी सुल्तानगढ़ आज एक दर्दनाक घटना घटने जा रही है। जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया है, सुधीर का दोस्त जो गांव में उसका साथ देता है, सुधीर के लिए खड़ा रहता है, उसके सर पर एक बहुत बड़ा ही दुख आन पड़ा है। दोस्तों, उसकी माँ काफी लंबे समय तक कैंसर से जूझ रही थी। हमारी ये कहानी में वो भी सुधीर की माँ के जैसी ही थी। जब सुधीर अपने दोस्त रोहन के साथ बैठा रहता है तो उसके पास उसके पापा का फोन आता है। उसके पापा कहते हैं, सुधीर तुम्हारा दोस्त था ना, उसकी माँ का देहांत हो गया है। सुधीर घबरा जाता है, कहता है कब? उसके पापा कहते हैं, उन्हें कैंसर तो लंबे वक्त से था, लेकिन कल रात को उनकी हालत थोड़ी ज्यादा ही बिगड़ गई थी। जब उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाने का सोचा, इतनी देर में उनकी सांसी रुक गई। सुधीर कहता है कि चलो ठीक है पापा, मैं निकलता हूँ, ललिता को ले आऊं या नहीं? उसके पापा कहते हैं, ले आ, अगर उसकी हालत सही है तो। सुधीर कहता है कि हाँ, उसकी हालत में सुधार तो आ रहा है। उसके पापा कहते हैं, तो ठीक है, फिर तो ले आना, अभी उनके भी रिश्तेदार आएंगे तो टाइम हो जाएगा थोड़ा। सुधीर कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ घर। रोहन सुधीर को कहता है, क्या हुआ? सुधीर रोहन को बताता है कि मैंने तुझे बताया था ना, मेरा एक दोस्त गांव में है जो कि हमेशा हर वक्त साथ रहता है मेरे। रोहन कहता है, हाँ वो शादी में भी मिला था, तेरा काम करवा रहा था वो। सुधीर कहता है, हाँ वही, उसकी माँ को कैंसर था काफी लंबे टाइम से, वो भी इससे लड़ रही थी और आज उनका स्वर्गवास हो गया। रोहन कहता है, तो अब तू जाएगा? सुधीर कहता है, हाँ जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ के जैसी थी वो। मेरा पूरा बचपन कटा है उनके घर पर, और मैं गांव में भी अपने घर में कम रहता था, उनके ही घर ज्यादा। मैं खाना अपने घर खाता तो मेरे हाथ उनके घर सूखते थे। हमारी दोनों की दोस्ती भी काफी पुरानी है, हम दोनों साथ साथ ही पढ़े हैं, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ ही नहीं दिया। वो अपने हालातों से ही लड़ता रहा, अपने जीवन में सभी लोगों से। उसे भगवान ने सिर्फ बुरी हालत ही दी। रोहन कहता है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, अब जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही ना। सुधीर कहता है कि उतार चढ़ाव आएंगे हम मानते हैं, लेकिन उसके जीवन में तुझे पता है उसकी एक छोटी बहन थी, पहले वो उन्हें छोड़कर चली गई, उसके बाद उसके पापा आर्मी में थे और कुछ जंग के दौरान उन्हें भी वीरगति प्राप्त हो गई, और फिर जब उसके पिताजी नहीं रहे तो उसकी माँ वो टेंशन में रहने लगी, और उसके बाद उसकी माँ को कैंसर हो गया और उसकी माँ भी इतने दिनों तक लड़ी और अब वो बेचारा अकेला हो गया। रोहन कहता है, जा यार, जिंदगी तो बड़ी ही दुखद है उसकी, चल हम लोग फिर मिलेंगे। रोहन कहता है, चल ठीक है, आराम से जाना, और भाभी को भी ले जाएगा क्या? सुधीर कहता है, हाँ उसे भी ले जाता हूँ, वहाँ उसके पड़ोसी हैं, वो लोग तो अच्छा रहेंगे, वो भी साथ चले जाएगी तो और थोड़ा घूम भी आएगी, इस बहाने गांव रहना हो जाएगा। रोहन कहता है, ठीक है ले जाना, पर ध्यान रखना उनका, ऐसे में हालत खराब हो सकती है ज़्यादा। सुधीर कहता है, हाँ बस उसी बात का डर है। उधर रोहन कहता है, कोई बात नहीं, बस ध्यान रख लेना तू, बाकी तो सब ठीक है ही। सुधीर उसे बोल करके अपने घर निकल जाता है। घर जाके देखता है ललिता उसे कहीं दिखाई नहीं देती। वो ललिता ललिता करके पूरे घर में घूम लेता है, लेकिन उसे ललिता दिखती ही नहीं है। वो घबराने लग जाता है, फिर उसे याद आता है बाथरूम में देखता हूँ, लेकिन वहां भी उसे ललिता नहीं दिखती है। जब सुधीर ज्यादा घबरा जाता है, इतने में एक पर्दे के पीछे से ललिता कहती है, इतनी जल्दी डर गए तुम? सुधीर कहता है, अरे पागल तुम्हें मस्ती सूझ रही है, और फोन बंद क्यों कर लिया है? ललिता कहती है, आपको परेशान करने के लिए। सुधीर कहता है, उसे चालू करो और तैयार हो जाओ, हमें गांव चलना है। ललिता कहती है, लेकिन अचानक गांव क्यों जाना है, क्या हुआ? सुधीर कहता है, वो मेरे दोस्त की मम्मी थी ना। ललिता कहती है, कौन, वो कुमार? सुधीर कहता है, हाँ वही, उसकी माँ का आज स्वर्गवास हो गया है। ललिता कहती है, वो तो शायद बीमार थी ना, और सुधीर को पकड़ के रोने लग जाती है। सुधीर कहता है, अरे पागल हो गई हो क्या, इसमें रोने की क्या बात है, तुम तो स्ट्रांग है मेरी जान। ललिता कहती है, लेकिन डर तो लगता है ना सुधीर इन बातों का, जब कोई अपना अपने बीच से जाता है तो। सुधीर कहता है, तुम्हें कुछ है ही नहीं,
तुम तो बढ़िया हो गई, देखो कितनी फिट लग रही हो। ललिता कहती है, तुम तो ऐसे ही मेरे मजे लेते रहते हो। सुधीर कहता है, बाकी बातें अपन गाड़ी में कर लेंगे, अभी तुम चलो और गाड़ी में बैठो मेरे साथ, जल्दी हमें गांव भी पहुंचना है। ललिता कहती है, ठीक है आती हूँ मैं ताला लगाकर, तुम गाड़ी पलटा लो। सुधीर नीचे अपनी गाड़ी पलटाता है और ललिता आकर बैठ जाती है। दोनों गांव की तरफ निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर उनकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकती है। वहां वो देखता है कि गौरी एक बच्चे के साथ बैठी है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ललिता उसे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें अचानक। सुधीर गौरी को देख करके सोचता है कि मेरी एक छोटी सी गलती को गौरी भुगत रही है, कितनी महंगी सजा काट रही है वो उस कुछ पल की खुशी के लिए। वो सोचता ही रहता है और ललिता का फोन बजता है। जैसे ही फोन बजता है उसका ध्यान वहां से हट जाता है और वो गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। फिर ललिता से पूछता है कि किसका फोन था। ललिता कहती है, मेरे पापा का था, वो भी उसी बारे में बता रहे थे, मैंने बोल दिया कि हम लोग निकल आए हैं। सुधीर कहता है, अच्छी बात है ये तो, चलो हम जल्दी चलते हैं। तो उधर से ललिता कहती है कि गाड़ी आप चला रहे हो, मैं नहीं। सुधीर थोड़ी देर बाद अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो सीधे अपने दोस्त के पास जाता है और ललिता अपनी माँ के पास चली जाती है। सुधीर का दोस्त रोता रहता है। सुधीर उसे कहता है कि भाई हिम्मत रख। सुधीर अपने दोस्त को संभालता है। उसका दोस्त भी पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई और नहीं बचा है। वो सुधीर को कहता है कि ऊपर वाले ने सब छीन लिया मुझसे, अब मैं क्या हिम्मत रखूं। सुधीर उसे समझाता है और फिर उसकी माँ को अंतिम यात्रा के लिए ले जाते हैं। उधर सब काम होने के बाद सुधीर को ललिता के पापा बुला लेते हैं और उसे कहते हैं कि सुनो दामाद जी, आपको कुछ बात कहनी थी। सुधीर कहता है, हाँ बताइए ना क्या कहना था। ललिता के पापा कहते हैं कि ललिता को एक बीमारी है। सुधीर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। ललिता के पापा कहते हैं कि आपको किसने बताया। सुधीर कहता है, उसी ने बताया था मुझे। ललिता के पापा कहते हैं, उसे इस बात की खबर थी क्या। सुधीर कहता है, शादी के पहले ही हमारी इस बारे में तो बात हो गई थी। ललिता के पापा उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुझे जब ये बात पता थी तो तूने हम लोगों को क्यों नहीं बताया। ललिता कहती है, हिम्मत ही नहीं हो पाई कभी, आपको इतनी बड़ी बात बताती तो आप लोग भी सहन नहीं कर पाते पापा। ललिता के पापा कहते हैं कि बेटा ये जानकारी हमें भी थी, पर हमें भी यही लगा कि अगर तुझे ये बात बताएं तो तुम कैसे रहोगी, इतनी बड़ी बात बताएंगे। ललिता कहती है, बस इसी का तो डर था मुझे भी। ललिता और उसके पापा को सुधीर कहता है कि आप दोनों छोड़ो बात को, ललिता अभी ठीक है, उसका इलाज चल रहा है अच्छे डॉक्टर के पास। ललिता के पापा कहते हैं, ठीक है। सुधीर चाय पीकर वहां से अपने घर जाता है और उसके बाद अपने दोस्त से मिलता है और उसे समझाता है कि भाई संभालना अपने आप को तू, क्योंकि अगर तू टूटेगा तो फिर अभी तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। सुधीर जानता है कि जिंदगी में कई सारी लड़ाइयां आती हैं जहां से इंसान को निकलना पड़ता है और अभी खुद सुधीर भी उलझा हुआ है अपनी जिंदगी में, अभी कई सारे दौर से घिरा हुआ है, कितनी सारी परेशानियों में फंस कर रहा, कितनी ही परेशानियों को फेस कर रहा है वो। अपने दोस्त को भी समझाता है कि जिंदगी आसान नहीं है, बस अब तू खुद को मजबूत बना और लड़ना शुरू कर, और जहां मेरी जरूरत लग रही है मुझे बता, मैं हमेशा खड़ा हूं तेरे साथ, हमेशा। और भाई अब मैं जाता हूं, ललिता को मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है और थोड़ा काम भी है। सुधीर का दोस्त कहता है कि ठीक है भाई। सुधीर और ललिता वहां से सुल्तानगढ़ के लिए निकल जाते हैं, पर अभी भी सुधीर को एक बात परेशान कर रही है। सुधीर और उसकी पत्नी वहां से आ जाते हैं। जब सुधीर वापस आता है तो वो फिर उसी सिग्नल पर गौरी को अपने बच्चे के साथ देखता है और इस बार उससे रहा नहीं जाता। वो अपनी गाड़ी साइड लगाता है और उतर कर उसके पास जाता है। ललिता ये सब कार में बैठे बैठे देखती है और सोचती है कि आखिर कौन हो सकता है, सुधीर ने किसी को दवाई दी हो या उसे पहले से जानता होगा। सुधीर अपने जेब से कुछ पैसे निकाल करके उसे देता है। ललिता सोचती रहती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहती है कि आने दो सुधीर को, उसी से पूछ लूंगी आखिर ये है कौन। सुधीर जब वापस आता है तो ललिता पूछती है कि कौन है वो औरत और वो बच्चा। सुधीर कहता है, छोड़ो यार जाने दो। ललिता कहती है, अरे बताओ मुझे, तभी मैं यहां से आगे जाऊंगी, वरना मुझे कहीं नहीं जाना है। सुधीर कहता है, हमें डॉक्टर के पास जाना है अभी, तुम पहले मेरे साथ वहां चलो। ललिता कहती है, नहीं मुझे बताओ पहले। सुधीर कहता है कि ललिता अभी टाइम नहीं है ये सब बातों का, तुम्हें बाद में बता दूंगा। लेकिन ललिता जिद पर अड़ जाती है, कहती है बताना तो पड़ेगा। सुधीर कहता है, ठीक है बताता हूँ। सुधीर कहता है कि जब मैं अपने घर से आया था तब मैंने शहर में कमरा लिया था। मैंने जब वो कमरा लिया वो बदनाम गलियों में था, लेकिन मैं इस बात से अनजान था और जहां से मुझे पता चलता
उस खिड़की को खोलने से मेरे मकान मालिक ने मना किया था। जब मैं नौकरी ढूंढते ढूंढते बदनाम गलियों में पहुंचा, वैसे मुझे ये पता भी नहीं रहता, फिर एकदम से एक लड़का वहां से निकलता है और मुझे रेट बताता है। तब मुझे समझ आया कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। उसी वक्त मैं वहां से आ जाता हूँ और अपने कमरे में बैठ जाता हूँ। दूसरे दिन अचानक से पेपर पढ़ता हूँ, उसमें नौकरी रहती है और नौकरी तो मुझे मिल जाती है। जब मैं नौकरी पर जाने लग जाता हूँ, अचानक एक दिन वहां थका हारा हुआ आता हूँ तो मुझे बाहर आवाजें सुनाई देती है और मुझे मेरे मकान मालिक जिस खिड़की को खोलने के लिए मना किए रहते हैं, फिर भी मैं वहां जाता हूँ और उस खिड़की को खोलता हूँ तो मुझे वहां दिखता है कि ये तो वही बदनाम गलियां हैं जहां कई सारी वैश्याएं रहती हैं। मुझे वहां ये लड़की जिसका नाम गौरी रहता है और मुझे ये अच्छी लगती है। बाकी मेरा इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब मेरा दोस्त मेरे कमरे पर आता है, वो एक दो बार वहां जाता है और एक दिन जब मैं परेशान रहता हूं तो मैं भी चला जाता हूं और हम दोनों के बीच बहुत कुछ हो जाता है, बहुत बार। और वो तुम पूछ रही हो ना, ये क्या है? वो मेरी गलती है जो मैं कर बैठा हूं, मेरा अतीत है जिसे मैं कभी भुला ही नहीं सकता हूं, क्योंकि देखो मेरी गलती की सजा वो लड़की भुगत रही है। ललिता कहती है, सुधीर इतनी बड़ी बात, और तुम उस लड़की को देख रहे हो, वो कैसी हो गई है, और उस मासूम बच्चे को देखो। सुधीर कहता है कि मैं अपनी गलती मान रहा हूं ललिता, अभी तुम चलो, हमें डॉक्टर के पास जाना है। ललिता की हालत खराब हो जाती है। सुधीर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और अपने दोस्त को फोन लगाता है कि भाई तू जल्दी से हॉस्पिटल आ, ललिता की हालत खराब हो रही है और मैं उसे लेकर वहीं पहुंच रहा हूं। रोहन कहता है, ठीक है भाई मैं जल्दी आ रहा हूं, बस 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। सुधीर कहता है, ठीक है। वो जैसे ही अस्पताल पहुंचता है, रोहन उसका वहीं इंतजार करता है। दोनों उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर देखिए ना, अचानक ही तबीयत बिगड़ने लगी इसकी। डॉक्टर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम लोग देखते हैं। रोहन सुधीर से पूछता है कि भाई क्या हुआ अचानक से ऐसा? तुझसे कहा था ना कि वहां मत ले जा, माहौल खराब है और ऊपर से जिसकी मौत हुई है वो कैंसर की वजह से हुई थी, अब ऐसे में इंसान घबराता ही है ना। सुधीर कहता है कि भाई वहां से तो हम दोनों अच्छे से ही आ गए थे, लेकिन अचानक से रास्ते में गौरी दिखी बच्चे के साथ, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई और मैं वहां उसे ही मिलने चला गया। और फिर जब ललिता ने पूछा कि क्या है, कौन है ये, तो मुझसे झूठ नहीं बोला गया और मैंने सच बोल दिया। दोस्तों, आप जिसे प्यार करते हो, आप जिसे अपना मानते हो, उसके सामने आप कभी झूठ नहीं बोल पाते हो, और अगर बोल भी देते हो तो फिर खुद को कभी माफ नहीं कर पाते, और कभी आप यही नहीं समझ पाते हैं कि अब मैं इस गलती की पश्चाताप कैसे करूं। और सुधीर रोहन को कहता है, मैंने उसे मेरे और गौरी के बारे में सब कुछ बता दिया है। रोहन कहता है, तू पागल है क्या, इस हालत में उसे ये बात बताने की क्या जरूरत थी? सुधीर कहता है, वो मान ही नहीं रही थी, बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, तो मैं क्या करता भाई, मैंने उसे बता ही दिया। सुधीर अपना फोन निकालता और कहता है कि मैं अपने पापा को फोन लगा देता हूं। वो अपने पापा को फोन लगाकर कहता है, पापा अचानक से ललिता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है और मैं उसे अस्पताल में लाया हूं, आप ललिता के घर थोड़ा फोन लगा देना और आप लोग आ जाना, अभी मैं फोन रखता हूं। डॉक्टर कहते हैं, हालत बड़ी नाजुक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें रिस्क हो सकता है, फिलहाल उनकी हालत खराब है और ऐसी हालत में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। सुधीर कहता है कि क्या मैं मिल सकता हूं उससे अभी? डॉक्टर कहते हैं, अभी वो आईसीयू में है और मिलना अभी नहीं हो पाएगा। सुधीर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। सुधीर की हालत देखकर रोहन उससे कहता है कि भाई संभाल अपने आप को, वरना तो टूट जाएगा तो घर वालों को कैसे संभालेगा, वो भी आने ही वाले होंगे। आप लोग इस बात से परिचित होंगे, जब भी किसी लड़के की आंखों में आंसू आते हैं तो वो बात छोटी नहीं होती है। अक्सर लड़के अपने आंसू छुपा लेते हैं जब भी वो टूटे या बिखरते हैं, पर जब भी वो टूटते हैं किसी को नहीं बताते हैं, बहुत मजबूत बनने का प्रयास करते हैं। और रोहन पता है कि सुधीर भी बहुत मजबूत है, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में आंसू जायज है क्योंकि वो ललिता से बहुत प्यार करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहते हैं कि उनकी हालत में थोड़ा सा सुधार है और इतनी देर में उधर से सुधीर और ललिता के घर वाले आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। सुधीर उन्हें सारी कहानी बताता है और इतनी देर में अंदर से डॉक्टर आता है और कहता है कि सुनिए, इस पे साइन कर दीजिए ऑपरेशन के लिए, और इस ऑपरेशन में अगर मरीज को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी तुम लोगों की रहेगी, क्योंकि मरीज की हालत बड़ी नाजुक है, हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे सफल हो जाने का, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। सुधीर कांपते हुए हाथों से साइन कर देता है और उसके बाद रोने लग जाता है। सुधीर के पिताजी उससे कहते हैं कि संभाल बेटा अपने आप को, सब अच्छा हो जाएगा। सुधीर कहता है, पापा पर अचानक से कैसे हुआ? ललिता के पापा कहते हैं कि दामाद जी संभालो खुद को,
ये बीमारी है ही ऐसी। सुधीर की माँ भगवान को याद करती है और मन्नत मांगने लगती है। रोहन कहता है, भाई सब ठीक हो जाएगा। सुधीर कहता है, रोहन कैसे ठीक रहूं यार। दोस्तों जब बातें खुद पर गुजरती हैं तब हर इंसान को समझ आता है कि इतना आसान नहीं है कोई भी बात कहना, लेकिन उस जगह पर रहना और वहां से चीजों को फेस करने के लिए जब खुद उतरते हैं, या फिर कहें कि जब खुद पर बीतती है, या फिर कहें कि खुद पर बीतती है, तो ही इंसान समझ पाता है कुछ भी। सुधीर के साथ भी वही हो रहा था। वो अभी ये बातें अपने दोस्त को समझा कर आया था, अब वही बातें उसे ही नहीं समझ आ रही है और उसे रोहन समझा रहा है, उसके पापा भी समझा रहे हैं। सुधीर याद करता है कि कैसे हम दोनों पहली बार नदी किनारे मिले थे, कितनी बातें हुई थी हमारी, और धीरे धीरे मैंने ललिता का गुस्सा देखा, उसका प्यार देखा और ललिता को अपना जीवन साथी भी बनाया। ऊपर वाले को शायद हमारा प्यार मंजूर नहीं। वो कई सारी बातें सोचता है और उधर से रोहन कहता है कि ऑपरेशन शुरू हो गया है। सुधीर दोनों हाथ पकड़ करके बैठ जाता है, उसके पापा उसे संभालते हैं। तो क्या होगा ललिता का, क्या होगा सुधीर का, और क्या होगा गौरी का, जानेंगे हम सुल्तानगढ़ के अगले एपिसोड में। अब तक की कहानी में हमने सुना कि सुधीर जब अपने और गौरी के बारे में ललिता को बताता है तो ललिता उसी वक्त सोच लेती है कि अब उसे गौरी को न्याय दिलाना है, लेकिन वो सुधीर को कुछ कहे उससे पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और सुधीर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। ललिता की हालत बिगड़ जाती है, उसे डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसका ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं, और तभी सुधीर वहां साइन कर देता है और अंदर ऑपरेशन चालू हो जाता है। सुधीर और उसके घर वाले सभी लोग बाहर इंतजार करते हैं, उनकी बेटी को संभालते, उनकी बेटी की सलामती के लिए दुआ मांगते हैं। आपको याद हो तो हमारी कहानी हमने नायिका प्रधान कहा था, क्योंकि ललिता का पतली मतलब कि सुधीर जब अपनी गलती कर देता है, अपने अतीत से परेशान होता है और वो अपनी सारी गलती अपनी पत्नी को बता देता है, और उसकी पत्नी ये सोचती है कि किसी की गलती इस जमाने में कोई कैसे भुगत रहा है, और उसे उस पर तरस आ जाता है। और जिस तरह की गलती आज सुधीर ने करी है वैसे हमारे देश में हर रोज होती है। माना कि वैश्या हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी भी तो जिंदगी है, और पेट पालने के लिए अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो क्या गलत है, चोरी करने से तो अच्छा है। और अगर हमारा समाज वैश्याओं पर उंगली उठा सकता है तो मैं कहता हूं कि जब आप उन्हें अपने समाज का हिस्सा ही नहीं मान रहे हो, आपने उन्हें अलग ही दर्जा दे दिया है, तो आपको उन पर उंगली उठाने का अधिकार किसने दिया है? तुम चाहो तो उन्हें खिला भी सकते हो, तो उनके मुंह से निवाला छीनने का अधिकार भी तुम नहीं रखते हो। अगर तुम उन्हें खिला नहीं सकते हो तो उनके मुंह से निवाला छीनने का अधिकार भी तुम नहीं रखते हो। अगर तुम्हें अधिकार लेना है और तुम्हें इतनी ही फिक्र है समाज की, तो तुम उन्हें रोको जो वहां जाते हैं अय्याशी करने, क्योंकि वो तुम्हें घर बुलाने नहीं आती, तुम्हारे ही लोग वहां जाते हैं। इसे समाज को कोई हक नहीं होता है उन्हें गलत कहने का। जो तुम्हारा काम है वो तुम कर रहे हो, लेकिन जो काम उनका है उन्हें करने दो। ललिता जानती थी नारियों के सम्मान के लिए लड़ना और उनको उनका हक दिलाना, और इस लड़ाई में भले उसके सामने उसका पति ही क्यों ना हो, वो लड़ेगी और गौरी को अपना हक दिलाकर ही मानेगी। उसे पता है कि अगर एक महिला दूसरी महिला का साथ नहीं देगी तो फिर किसी से भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि हमारा समाज हमेशा नारी को ही गलत मानेगा। लड़के कुछ भी कर ले उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर एक लड़की ने कदम उठा लिया तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे उसे सही और गलत का मतलब सिखाने के लिए। यही हकीकत है हमारे इस समाज की, जिसके नाम पर लोग जीते हैं। अगर कोई लड़की मन पसंद से शादी कर ले तो वो बिगड़ी हुई है। और भी कई तरह की बातें उसके लिए कहते हैं, पर अगर वही एक लड़का करे तो नाम ऊंचा होता है। ये कहां का न्याय है? ललिता ने ऐसे ही लोगों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, पंचायत से लेकर कोर्ट तक, और कोर्ट से लेकर अपने घर तक। वो सिर्फ और सिर्फ न्याय की लड़ाई चाहती थी। कई घंटों जब ललिता का ऑपरेशन चलता है तो सभी लोग बाहर सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं कि बस हमारी बेटी सलामत रहे, हमारी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन जब डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर आते हैं तो वो सभी से कहते हैं कि हमें माफ करना, ललिता के पास कुछ ही वक्त बाकी है, आप लोग मिल सकते हो। सुधीर कहता है, पर डॉक्टर हुआ क्या है? डॉक्टर सुधीर को जवाब देते हैं कि ये ब्लड कैंसर है और इसका कोई उपचार अब तक बना ही नहीं है, और ललिता का लेवल अब बढ़ गया है। वो कैंसर के उस लेवल पर पहुंच गई है जहां से बच पाना कोई चमत्कार ही हो सकता है। आप लोग अंदर जा सकते हैं। सुधीर के घर वाले और सुधीर अंदर जाते हैं। वो ललिता को ऐसी हालत में देखकर खुद को संभाल नहीं पाते हैं। सुधीर ललिता के पास बैठता है और ललिता उससे कहती है, मैं ठीक हूं सुधीर, देखो तुम ही कहते हो ना मैं मजबूत हूं,
आज भी कितनी मजबूत हूँ देख लो, और तुम ऐसे मेरे सामने रोने लगोगे तो मुझे क्या अच्छा लगेगा। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास सुधीर, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। सुधीर कहता है, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं खुशी खुशी दूंगा। ललिता कहती है, सुधीर मैं चाहती हूँ कि गौरी को उसका हक मिले। सुधीर कहता है, मैं कुछ समझा नहीं ललिता। ललिता कहती है, सुधीर तुमने भले जाने अनजाने में किया हो या तुम्हारी गलती हो, लेकिन वो बेचारी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है कैसे अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, बिलक बिलक के रो रही थी। तुम भी इतना तो जानते हो सुधीर कि वो तुम्हारा खून है। अगर तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने एक सबक बन के आया है, तुम्हारी गलती तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा लेकर आई है और तुम्हें भी इस बात का पछतावा है, तो तुम बस जाते जाते मुझे इतना सह दो, गौरी को मेरी जगह दे दो तुम्हारी जिंदगी में, उसे भी उसका हक दे दो, क्योंकि इसमें उस बेचारी की क्या गलती है। उसने जो किया उसकी मजबूरी थी, लेकिन तुमने जो किया वो तुम्हारा शौक था, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम उसे अपने साथ रखो और उसे अपनी पत्नी का दर्जा दो। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं एक नारी का दर्द समझ सकती हूं और लोगों को समझा सकती हूं। अगर मैं अपने घर से हार जाऊंगी तो लोगों को क्या जवाब दूंगी। बताओ सुधीर, तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे ना, दोगे ना उसे उसका हक। सुधीर सुधीर अपने माता पिता और ललिता के माता पिता की तरफ देखता है। ललिता उसे कहती है, जब जाते वक्त इतना ख्याल नहीं आया तो आज क्यों सुधीर, इतनी देर क्यों लग रही है। सुधीर कहता है कि ललिता मैं उसे उसका हक जरूर दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी जगह कभी नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता। ललिता कहती है, बुलाओ उसे यहां। सुधीर कहता है, रोहन जाओ उसे जरा लेकर आओ। सुधीर थोड़ी देर और ललिता से बातें करता है। इतनी देर में ललिता कहती है, मुझे मेरी आइसक्रीम नहीं खिलाओगे सुधीर। सुधीर भाग के जाता और कहता है, अभी लाता हूं तुम्हारे लिए आइसक्रीम। जैसे ही सुधीर बाहर जाता है, ललिता वहां खड़े अपने और सुधीर के माता पिता को कहती है कि सुधीर बहुत अच्छा है और मैं उसे गौरी के साथ का इसलिए बोल के जा रही हूं क्योंकि बाद में वो अकेला हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि उस बेचारी को भी पत्नी का दर्जा मिल जाए और सुधीर को भी एक साथी मिल जाए, क्योंकि सुधीर किसी से अपने मन की बात नहीं कहेगा, वो सबको यही कहेगा कि ठीक हूं, लेकिन वो अंदर से ठीक नहीं रहेगा, खुद अकेला ही सब काम करेगा। मैं चाहती हूं कि सुधीर गौरी के साथ रहे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और वो कुछ वक्त बीत जाने के बाद सुधीर भी उसके साथ अच्छे से रह लेगा और दोनों एक अच्छी शुरुआत करेंगे। आप सभी उसका साथ देना और उसे कभी उसकी इस गलती का एहसास भी मत होने देना, क्योंकि वो पहले ही इस गलती का पश्चाताप नहीं कर पाया है। इतनी देर में रोहन गौरी को ले आता है उसके बच्चे के साथ, और सुधीर भी आइसक्रीम लेकर आ जाता है और कहता है, ये लो ललिता। ललिता कहती है, हमेशा ऐसे ही खिलाते थे। सुधीर कहता है, नहीं। वो आइसक्रीम खोलता और पहले खुद खाता है, उसके बाद वो ललिता को खिलाता है। ललिता गौरी को आगे बुलाती और कहती है कि तुम्हें मैं इस दुनिया की अपनी सबसे प्यारी चीज देकर जा रही हूं, हिफाजत करना उसकी। सुधीर का और गौरी का हाथ वो एक दूसरे के हाथ में थमा देती है और हंसते हंसते उसके प्राण निकल जाते हैं। सभी के सभी लोग वहां रोने लगते हैं। सुधीर का दोस्त उसे संभालता है। सभी वहां फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और बाद में वो उसे वहां से घर ले जाते हैं उसकी अंतिम यात्रा निकालने के लिए। 3 महीने बाद सुधीर अपने बेटे ललित के साथ खेलता है और गौरी उनके लिए खाना बनाती है। सुधीर के माता पिता भी अब सुधीर के साथ ही सुल्तानगढ़ में रहते हैं। सुधीर अपने बेटे का नाम ललिता के ही नाम पर रखता है, क्योंकि जब ललिता और सुधीर ने बच्चे के बारे में सोचा था तो ललिता ने कहा था कि मैं अपने बेटे का नाम ललित रखूंगी। सुधीर ने वही नाम रखा उसका और वो गौरी के साथ भी अच्छे से रहता है, लेकिन आज भी वो ललिता को भूल नहीं पाया है।